नमस्कार, मैं ठाकुर देवराज सिंह, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। मैं डायरेक्टली हार्डवेयर से कोई काम नहीं करवा सकता, इसलिए मुझे एक इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। तो वो इंटरफेस है एक सॉफ्टवेयर, जिसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं, जैसे विंडो, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, ये सारे जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इंटरमीडिएटरी बिटवीन यूजर ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएटरी का जो काम करता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यदि हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हम कंप्यूटर से काम नहीं करवा सकते। दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स एंड यूजर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को भी मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, जैसे कि उस मेमोरी में कितना पार्ट, उसके कंप्यूटर में कितना पार्ट मेमोरी जो है वो फ्री है और कितना यूज हो चुका है। इसमें ये जब हम मल्टी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ये हमें जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जितने प्रोसेस होते हैं, जितने प्रोसेस रिक्वेस्ट हैं, उनको मेमोरी में एलोकेट करता है। साथ में बहुत देर तक यूज नहीं हुए या जिसका काम नहीं हुआ है या टर्मिनेट हो चुके हैं, उन प्रोसेस को वो क्या करता है, डी एलोकेट करने का काम भी करता है, ताकि मेमोरी जो है वो क्लीन हो सके। प्रोसेसर मैनेजमेंट में होता यह है कि इसमें ट्रैफिक कंट्रोल के थ्रू ट्रैक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ट्रैक करता है, उसके स्टेटस को, उसके प्रोसेस को, कि कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं, कौन से एलोकेट करने हैं, किसको डी एलोकेट करना है, इस चीज का काम भी प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। जनरली हम लोग को ये फील होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने इंस्ट्रक्शन दिया, सिर्फ उसने जाके हार्डवेयर से कम्युनिकेट किया और हमको ला दिया, बट इनके साथ साथ ये सारी चीजें उसमें चलती हैं, तो ये सब उसमें फंक्शंस में आ जाते हैं। इसके अलावा है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम कंप्यूटर में बहुत सारे पेरिफेरल डिवाइसेस जो है लगाते हैं, प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गया, और कुछ और भी डिवाइस जो है वो हम लगा सकते हैं, माउस, कीबोर्ड हो गया। इसमें क्या होता है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन डिवाइस को भी मैनेज करने का काम इस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। फाइल मैनेजमेंट यानी हमने कोई यूजर ने कोई फाइल बना दी है, तो उसका लोकेशन, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके यूजेस कि क्या है, ये सारा चीज जो है वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होता है। इसके अलावा कुछ अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं जो मैंने पहले भी मेंशन की हुई हैं, उसमें है सिक्योरिटी, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम ये बहुत सारे पासवर्ड भी क्रिएट कर सकता है, जिसके थ्रू हम अपने फाइल को, अपने फोल्डर्स को हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, ताकि अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है वो ना हो सके। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, ये हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पूरा परफॉर्मेंस को चेक करता है, कंट्रोल करता है, जो हमारे सीपीयूज हैं, जिसमें सर्विसेज चल रही हैं, रिस्पांस टाइमिंग है, ये सारा चीज देखता है कि वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा है जॉब अकाउंटिंग। बहुत सारे जॉब्स हमने यूजर ने रिक्वेस्ट भेजा है, तो उसमें जो टाइम और रिसोर्स जो यूज हो रहा है, उस पर भी वो ट्रैक करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसमें एरर डिटेक्टिंग एड्स का मतलब ये है कि भाई हम जब कोई काम करते हैं, तो हमारे द्वारा, यूजर के द्वारा कई ऐसी चीजें भी होती हैं जो सही नहीं होती, या हमने वैसा वर्क नहीं किया, यूजर ने वैसा वर्क नहीं किया जैसा करना चाहिए, उस कंडीशन में वो हमको एरर देता है या एक हेल्प के रूप में हमको आंसर करता है कि हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, ताकि हम उस चीज को दूर कर सके, कुछ चीज डिबग कर सके, इस चीज के लिए एरर डिटेक्टिंग एड्स का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, और ये अदर हम देखते हैं कि हमारे जो सिस्टम है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी उसमें डले होते हैं,
तो हम उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी ओपन करने का जो काम होता है वो भी ओपन करने का काम जो होता है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा होता है, और यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसके अलावा ये तो हो गया फंक्शंस के बारे में, अब हम जानना चाहे बताते हैं बूटिंग प्रोसेस क्या होती है। तो बूटिंग प्रोसेस जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो आप देखेंगे कंप्यूटर जब स्टार्ट अपने प्लग ऑन किया और उसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कुछ समय लेता है। इस टाइम पर होता यह है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्चुअली तो हमारा हार्ड डिस्क में है। हार्ड डिस्क में जो चीज है वो रैम में जब आती है तब वो एक्टिवेट होती है। तो हार्ड डिस्क से रैम में इंस्टॉल होने का जो प्रोसेस होता है उसे बूटिंग प्रोसेस करते हैं। और कंप्यूटर जो होता है जब इस कंडीशन पे आता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है मेन मेमोरी में या रैम में या प्राइमरी मेमोरी में, तब हमारा कंप्यूटर जो होता है वो वर्क करने की कंडीशन में आता है। तो जब कोई चीज चालू होने वाली होती है, जब तैयारी होती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं बूटिंग करना। तो दैट इज द बूटिंग प्रोसेस। इसमें बूटिंग दो प्रकार से हमारे पास होती है, दो कैटेगरी में है, एक है कोल्ड बूटिंग एंड है वार्म बूटिंग। सबसे पहले समझते हैं कोल्ड बूटिंग क्या होती है। जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं, प्लग ऑन करते हैं, कंप्यूटर एक एक स्टेप से आगे बढ़ता है, वो टाइम जिसमें हमारा रैम में इंस्टॉल हो रहा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो, तो इस प्रकार, और रोम में भी बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है जिसको पढ़ा जाता है, एक्चुअली रोम से पढ़ता है। रोम जो होता है स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत सारे डिटेल्स होते हैं जिसको पढ़ता है और उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता है, और रैम में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करता है। ये जो टाइमिंग होती है, ये जो चीज होती है, उसे इस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस में कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। इसके अलावा वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब कंप्यूटर एकदम से चालू है, वर्क कर रहा है, उस टाइम पे हम अचानक से हम रैम को जीरो करना चालू करते हैं, तो वो होता है सॉफ्ट बूटिंग। जैसे कि हमारे पास कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है हैंग हो गया सिस्टम कंप्यूटर, उस टाइम पे हम क्या करते हैं कंट्रोल और डेल के थ्रू हम जो बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं हम उसको एंड करते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारे पास वर्किंग में है, हम उसको क्या करना चाहते हैं जीरो करना चाहते हैं, रैम जो है वो क्लीन करना चाहते हैं ताकि हमारा सिस्टम एक्टिव हो सके, फिर से हमारा एक रीस्टार्ट मोड में आ सके। रीस्टार्ट तो नहीं कह सकते बट ये क्योंकि ऑलरेडी स्टार्ट मोड होती है, तो वो आसपास हम ये कह सकते हैं कि जस्ट हमारी वर्किंग में है, हम उसे फिर से स्टार्टिंग पोजिशन पे ले जाना चाहते हैं। उस टाइम को, उस प्रोसेस को, उस करने के स्टार्ट करने के प्रोसेस को वार्म बूटिंग कहते हैं। इसके अलावा अब हमको समझना है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही टाइप का होता है, उसमें बहुत अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सामने होते हैं। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे हैं। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम बहुत सारे जॉब्स हमने जो यूजर है उसने वर्क दे दिया है, तो इसमें सिमिलर टाइप के जितने जॉब्स होते हैं उसका वो बैच बनाता है। इस टाइप के अलग अलग बैच बनाता है जिससे क्या हो सके, काम जो हो सके और फास्ट हो सके, हमारा सीपीयू अच्छे से वर्क कर सके, इसके लिए बैच प्रोसेसिंग का, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। इसमें एडवांटेज आप देख सकते हैं कि मल्टीपल यूजर कैन शेयर द बैच सिस्टम, बहुत सारे यूजर्स उसमें काम कर रहे हैं तो सेम टाइप के वर्क कर रहे हैं उनका बैच बनेगा। आइडल टाइम इसमें वेरी लेस होता है। इसमें हम बैच सिस्टम में इजी टू मैनेज है, लार्ज वर्क जो हम बार बार वर्क कर रहे हैं जिस चीज को वो बैच सिस्टम में बना दिया जाता है कि ये काम बार बार हो रहा है तो उसको एक बैच बना देते हैं। साथ में हम ये नहीं जान सकते कि कौन सा जॉब कंप्लीट होगा, तो इसमें क्या होता है सेम टाइप के जब हम जॉब को बना दे का बैच बना देते हैं तो उसमें जो क्यू में जो जो बैच आता है वो एक के बाद एक क्यू में डाल दी जाती है ताकि वो सेम टाइप के वर्क पहले हो जाए ताकि फास्ट वर्क हो सके। डिसएडवांटेज है कि हम वेल नोन ऑफ बैच सिस्टम, हम जो बैच सिस्टम उसके बारे में पूरी तरह से जान समझ सके इसके बाद ही हम काम कर सकते हैं। बैच सिस्टम में डिबग करना जो है वो हार्ड है, समटाइम ये कॉस्टली भी है। अदर जॉब्स विल हैव टू वेट अननोन टाइम, मतलब एक जॉब जा चुका है, एक बैच जा चुका है, तो अदर जो जॉब बैच है जिसके अंदर जॉब वो उसको नहीं पता कि उसका टाइमिंग कब आएगा, तो उसको नहीं पता होता, वो वेट करते रहता है। टाइम शेयरिंग सिस्टम, ये टाइम शेयरिंग सिस्टम में बड़ा इजी फॉर्मेट है, जितने भी जॉब हमारे पास है, जितने भी हमने टास्क परफॉर्म किए हैं सबको पर्टिकुलर एक बराबर समय दिया जाएगा और
इससे फायदा ये कि एक हर एक को दिया गया है पर्टिकुलर टाइम और उस टाइम के अंतर्गत उस टास्क को परफॉर्म करना है। सपोज वो टाइम पर वो कंप्लीट नहीं कर पाता तो उसका जो टाइम है वो फिर से नेक्स्ट टाइम आएगा, बट उसको उतना ही समय दिया जाएगा जितना सब टास्क को दिया गया, बराबर बराबर समय। यदि कोई बड़ा वर्क है, बड़ा टास्क है, तो वो उतने देर में जितना काम कर पाएगा उतना ही करेगा, उसके बाद उसको रोक दिया जाएगा, बाकी को समय दिया जाएगा। ये उसके डायग्राम है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं। ईच टाइम, देखिए एडवांटेज ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ईच टास्क गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, जितने भी टास्क हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। लेस चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, सीपीयू आइडल टाइम कैन बी रिड्यूस्ड, प्रॉब्लम्स डिसएडवांटेज जो है रिलायबिलिटी प्रॉब्लम, रिलायबल नहीं होता ये ज्यादा। वन मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी इंटीग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम ऑफ डेटा, यानी कि हम इसमें सिक्योरिटी इंटीग्रिटी वाली जो प्रॉब्लम होती है वो इसमें होती है, डेटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इसमें होती है। अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास अलग अलग सिस्टम और एक मेन सिस्टम होता है, अलग अलग एक नेटवर्क सेट बना दी जाती है जिसके थ्रू सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देख सकते हैं हम डायग्राम में अलग अलग सीपीयू यूज हो रहा है, डिस्क यूज हो रहा है, मेमोरी यूज हो रहा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है यहाँ पर, मगर जो नोड्स हैं अलग अलग हैं। इसमें फेलियर ऑफ एडवांटेज जो है इसमें, कि मान लीजिए किसी एक नेटवर्क कम्युनिकेशन जो होता है किसी एक में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी वजह से पूरा का पूरा सिस्टम नहीं बैठता। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंक्रीज द डेटा एक्सचेंज स्पीड, ये फास्ट ड्यूरेबल है। लोड ऑफ होस्ट कंप्यूटर रिड्यूस, होस्ट कंप्यूटर का रिड्यूस कर दिया जाता है क्योंकि बाकी सब जो है वो डिस्क और ये सब यूज हो रहा है। दिस सिस्टम आर इजली स्केलेबल एज मेनी सिस्टम कैन बी इजली एडेड टू नेटवर्क, कभी भी आप उसमें नेटवर्क में आप किसी दूसरे सिस्टम को जोड़ सकते हो। डिले इन डेटा प्रोसेसिंग रिड्यूस। डिसएडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें यह है कि मान लीजिए आपका मेन नेटवर्क नेटवर्क सिस्टम यदि आपका बैठ गया तो पूरा सिस्टम आपका बैठ सकता है, ये एक डिसएडवांटेज है। To establish distributed system, the language which are used not well defined yet. जो language हम use कर रहे हैं वो अभी तक defined नहीं है। This type of system are not readily available as they are very expensive. बहुत ज़्यादा कोई नहीं मिलते क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है ये expensive है। Network operating system. This system run on server और client depend होता है। इसमें पूरा जो data store होता है वो पूरा एक server पे store होता है और बाकी क्लाइंट काम करते रहते हैं। वो क्लाइंट जो भी चीज वर्क कर रहा है वो सारे के सारे जो है हमारे सर्वर मशीन पे स्टोर होता है। इसके डायग्राम भी देख सकते हैं आप, ये हमारे पास है। ये एडवांटेज ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर, सिक्योरिटी जो है स्टेबिलिटी काफी अच्छी है क्योंकि सेंट्रलाइज सर्वर होता है, सिक्योरिटी कंसर्न में काफी वर्क करता है। न्यू टेक्नोलॉजी हार्डवेयर अपग्रेडेशन आर इजिली टू इंटीग्रेटेड टू द सिस्टम, क्योंकि हम यहाँ पे सर्वर से काम कर रहे हैं, बाकी सब जो है वो एज अ टर्मिनल काम करते हैं, तो हमको सिर्फ सर्वर पे हमको ध्यान रखना है, बाकी सब नॉर्मल वे में चल जाते हैं। सर्वर एक्सेस आर पॉसिबल रिमोटली फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन एंड टाइप ऑफ सिस्टम, डिफरेंट लोकेशन पे अपन काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, सर्वर आर कॉस्टली, सर्वर इसके जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं। यूजर हैज टू डिपेंड ऑन सेंट्रल लोकेशन मोस्ट ऑपरेशन, जितने भी है सब सर्वर पे डिपेंड होता है। मेंटेनेंस एंड अपग्रेडेशन आर रिक्वायर्ड रेगुलरली। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है टाइम इंटरवल जो होते हैं प्रोसेस और रिस्पॉन्ड टू इनपुट वेरी स्मॉल, दिस इंटरवल टाइम को हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। रियल टाइम सिस्टम आर यूज व्हेन द सिस्टम आर रिक्वायर्ड वेरी स्ट्रिक्ट, लाइक ये मिसाइल सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रोबोट्स, इन जगहों में रियल टाइम होता है। इसमें एक चीज क्या होती है कि इसमें हम लोग बहुत ज्यादा ये फास्ट तो काफी होते हैं बट एट ए टाइम हम बहुत सारे टास्क नहीं कर सकते क्योंकि ये स्पेसिफिक चीजों के लिए बनी हुई है। ये हम जनरल पर्पस में जैसे हम ये भी कर दिए वो भी ऐसा नहीं होता। यदि जिस पर्पस पे यूज हो रहा है सिर्फ उतनी चीज होगा, आप मोर देन वन चीज वर्क नहीं कर सकते। यदि आप करते हैं तो वो फिर आप, क्योंकि ये फील्ड अलग है, इस फील्ड के आधार पे हम उस पर काम नहीं कर सकते। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि एडवांटेज डिसएडवांटेज में, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ एडवांटेज ऑफ आरटीओज, आरटीओज मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ, क्योंकि काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिसोर्स होता है इसका, इसलिए
मोर आउटपुट्स हमको मिल जाते हैं इसमें से। टाइम शिफ्टिंग मतलब हम एक टास्क से दूसरे टास्क में काफी माइक्रो सेकंड में ये काम कर देता है, क्योंकि काफी स्पीड उसमें होती है। फोकस ऑन एप्लीकेशंस, ये मेन एप्लीकेशन जिस पे काम चल रहा है उसी पे ही वो करता है, बाकी वो क्यू पे रखता है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ प्रोग्राम आर स्मॉल, जिसकी साइज होती है वो स्मॉल होती है। आरटीओ कैन बी यूज्ड एम्बेडेड लाइक ट्रांसपोर्ट टू एंड अदर मतलब इसमें यह है कि जो इसकी जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है और बहुत सारे जो ट्रांसपोर्ट और अदर चीजें होती है उससे एम्बेड सिस्टम से एम्बेडेड होती है। एरर फ्री, ये काफी एरर फ्री बनाया जाता है काफी, यानी क्योंकि हमारा मैंने ऑलरेडी बताया कि फील्ड अलग है और फील्ड के आधार पे इसमें काम होता है, तो इसमें एरर की गुंजाइश कम से कम होनी चाहिए, इसलिए काफी ध्यान दिया गया है इसको बनाते समय। मेमोरी एलोकेशन इज द बेस्ट मैनेज्ड इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, इसमें मेमोरी का मैनेजमेंट काफी अच्छा किया गया है। डिसएडवांटेज ऑफ आरटीओस, आरटीओस दैट मींस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, लिमिटेड टास्क, आप एक बार में सिर्फ कुछ ही टास्क परफॉर्म करेंगे, बहुत सारे नहीं, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन को एरर से अवॉइड करने के लिए सो कम से कम टास्क परफॉर्म करते हैं। हैवी रिसोर्सेज, यानी इसका एल्गोरिदम वगैरह जो है, इसके जो बहुत ही एक्सपेंसिव है और इसमें जो वर्क हुआ है वो काफी जो रिसोर्स जो है वो काफी अच्छा होने की वजह से ये काफी हैवी है। दूसरा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, इसमें जो एल्गोरिदम लिखे गए हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स है। डिवाइस ड्राइवर और इंटरप्ट सिग्नल, इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर और इंटरप्ट सिग्नल टू रिस्पॉन्ड अर्लियर टू इंटरप्ट, ये थोड़ा सा यदि कुछ भी चीज ऐसी होती है तो वो काफी जल्दी आपको इंटरप्ट करता है क्योंकि फील्ड के अनुसार बनाई गई है। थ्रेड प्रायोरिटी, इसमें हम बहुत सारी चीजों को एक साथ चला नहीं सकते तो बहुत कम टास्क को हमको काम करना होता है, इसमें थ्रेड प्रायोरिटी का कोई वो नहीं रहता, ये जस्ट जिस चीज क्योंकि एप्लीकेशन पे ध्यान देता है तो उस स्पेसिफिक काम के लिए जो वर्क है उस पर ही ध्यान देता है, बहुत सारी चीजों को ये ध्यान नहीं देता। अब हम आगे देखते हैं डॉस, हम अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो हमारा डॉस है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स है, तो डॉस के बारे में बताता हूँ। ये एक सिंगल यूजर इंटरफेस, सिंगल यूजर है और ये कमांड लाइन इंटरफेस को यूज करता है, ग्राफिकल मोड को ये सपोर्ट नहीं करता है। ये बहुत सिंपल है और स्मॉल साइज वो कर लेता है। ये हिस्ट्री ऑफ डॉस है, इसमें हिस्ट्री ऑफ डॉस में ये देख लीजिए आप, स्ट्रक्चर ऑफ एमएस डॉस, स्ट्रक्चर ऑफ एमएस डॉस में बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो रैम में सबसे पहले स्टोर होते हैं, इसको बूट स्ट्रैपिंग कहा जाता है। फिर एक एमएस डॉस बायोस होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, इसमें सबसे पहले इनपुट आउटपुट डॉट सिस्टम फाइल होती है, इनिशियलाइज की जाती है, और लेयर ऑफ द साइड्स बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल एंड हार्डवेयर का एक लेयर बनाता है जो बायोस के द्वारा मैनेज होता है। सिस्टम फाइल, सिस्टम फाइल का मतलब होता है कि बहुत सारे ऐसी फाइल्स होती हैं जो हिडन होती हैं, जो हमको नहीं दिखती हैं DIR कमांड लगाने से। जब हम सिस्टम कमांड का यूज करते हैं तो ये ट्रांसफर करता है डिस्क से command.com में, जो तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डिस्क में ये ट्रांसफर करता है, वहीं पर command.com जो होता है इज नॉट ट्रांसफर, ये कॉपी कमांड टू ट्रांसफर command.com में करता है। इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड, इंटरनल कमांड क्या होते हैं, वो कमांड जो command.com के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं और इसका फ्रेक्वेंटली यूज हम करते हैं, जैसे कॉपी, CLS, DIR कमांड। एक्सटर्नल कमांड जो होते हैं वो जो है वो फ्रेक्वेंटली यूज नहीं होते हैं, दिस कमांड्स आर नॉट पार्ट ऑफ command.com फाइल्स। इंटरनल कमांड्स में देखेंगे कि ये जो है वो इंटरनल कमांड्स हैं। इसमें CLS, अब मैं कुछ कमांड्स के बारे में बताऊंगा। CLS यानी क्लियर कमांड, आपके उसमें स्क्रीन को क्लियर कर देता है। DIR कमांड का मतलब ये होता है कि एक बार में पूरी डायरेक्टरीज एंड फाइल्स के नाम पूरे शो कर देता है। वर्जन कमांड होता है कि आप जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं उसका कौन सा वर्जन वर्क कर रहा है वो आपको बताता है। वॉल्यूम कमांड, वॉल्यूम कमांड यदि आप ऐसा लिखते हैं, सेंटेक्स और आउटपुट यहाँ पे लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं, उसी के आधार पे हमको वहां पर टाइप करना होता है। सी ड्राइव है, फिर VOL लिखे, प्रेस एंटर करेंगे तो हमारे सामने दिखा देगा कि कैसा है, तो ये देखेंगे यहाँ पर क्या ड्राइव सी में सीरियल नंबर उसका क्या है, ये सारा चीज इसमें बता देता हूँ। डेट और टाइम नाम से क्लियर है, यदि हम इसे लिखते हैं तो करेंट डेट और करेंट टाइम हमको शो कर देता है।
कॉन कमांड। कॉपी कॉन कमांड क्या होता है, हमें कोई फाइल बनानी है, अभी तक हम कोई फाइल नहीं बनाए, हमको कोई डायरेक्टरी नहीं बनाई, हम जब फाइल बनाना होता है तो कॉपी कॉन कमांड। तो कैसे लिखते हैं, कॉपी कॉन उसके बाद फाइल का नाम लिखिए, उसके फिर कंटिन्यू आप कुछ टाइप करिए, टाइप करने के बाद उसको बंद करने के लिए Ctrl+Z बटन दबाएंगे, एक वन फाइल कॉपीड लिखेगा, यानी आपका जैसे यहाँ rows.txt जो है वो क्रिएट हो गया। टाइप कमांड क्या होता है, जो फाइल आपने बनाई, बना तो दिया, आप उसको शो करना चाहते हैं तो टाइप कमांड का यूज कर, टाइप और मान लीजिए आपने बनाया rows.txt तो आप वो लिख दीजिए, वो आपको दिखा देगा। कॉपी कमांड क्या होता है, वन फुल प्लेस जो दूसरे रोज टीएक्सटी से रोज एमएसजी बनाना है, तो यहाँ पर देखेंगे नीचे लिखा हुआ है दो फाइल सोर्स और टारगेट फाइल बनाते हैं। रीनेम कमांड, रीनेम कमांड जो होता है वो फाइल के नाम को चेंज करना चाहते हैं कि भाई ये रोज जो कमांड है उसका नाम gulab.txt रहेगा, तो वहां पे आप बना सकते हैं, एक मैसेज जनरेट होगा कि आपका ये नाम चेंज हो गया है, तो ren कमांड से रीनेम कर सकते हैं। del कमांड फाइल को डिलीट करने के लिए यूज होता है, फाइल को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने बनाया हुआ है rows.txt तो आप वहां बना सकते हैं, जो भी फाइल का नाम है आप उसको वहां पे लिख दीजिए डेल के बाद। md कमांड क्या होता है, md कमांड जो होता है वो मेक डायरेक्टरी होती है, तो डायरेक्टरी मतलब फोल्डर हो बनाने के लिए यूज होता है। अभी तक मैंने फाइल, कॉपी कॉन जो होता है वो फाइल बनाने के लिए होता है, md कमांड जो होता है वो डायरेक्टरी बनाने के लिए होता है। तो डायरेक्टरी कैसे बनाएंगे, md लिखेंगे फाइल का नाम, जो भी डायरेक्टरी का नाम है वो लिखेंगे तो डायरेक्टरी आपकी क्रिएट हो जाएगी। सीडी यानी कि चेंज डायरेक्टरी, इसमें हम लोग कोई भी डायरेक्टरी को लाना चाहते हैं तो वहां पर उसका सीडी लिखेंगे और जो डायरेक्टरी का नाम है उसको लिखेंगे, वो ओपन हो जाएगा। आरडी कमांड, अब डायरेक्टरी तो बना लिया, डायरेक्टरी को डिलीट यदि करनी तो आरडी लिखिए और डायरेक्ट जिस रिपोर्ट नाम से बनाए थे उसको लिखेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। पाथ, जिस करेंट पाथ आपको यहाँ पे दिखाता है तो पाथ लिखेंगे तो करेंट पाथ आपको यहाँ पे दिखाता है। अब हम डॉस के बाद आते हैं विंडो। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये बेसिक विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डॉस जो था वो कमांड यूजर इंटरफेस था, कमांड लाइन इंटरफेस था, जिसमें हमें पूरी स्क्रीन जो है वो ब्लैक कलर की दिखाई देती है, जिसमें हम टाइप करते हैं, जिसमें ग्राफिकल मोड नहीं देता। बट विंडोज में आने के बाद क्या हुआ, आज भी हम विंडोज यूज करते हैं और विंडोज जो है वो ग्राफिकल मोड को सपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं ये कैसे कैसे इसका इन्वेंशन हुआ। फर्स्ट वर्जन जो आया था 1985 में आया था, फिर उसके बाद जो है वो काफी अच्छा, यहाँ से एक नई दिशा मिली कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ग्राफिकल मोड में चला गया, और बहुत सारे जो और भी उसी के साथ साथ हमको विंडोज के वर्जन मिले। 1995 में विंडोज 95 आया, ये अपने आप में एक नए युग का शुरुआत था, क्योंकि 95 जब आई तो इसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि इंटरनेट ब्राउजर, इंटरनेट फैसिलिटीज, ये 95 से हमारे पास आया, जो कि आज हम लोग इंटरनेट पे काफी वर्क कर रहे हैं। बट इसकी शुरुआत जो हम 95 में हुई थी उस वक्त इस लेवल पे नहीं हो पाता था, बट धीरे धीरे करते हुए एक शुरुआत थी जहाँ से 95 से हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो बूम में आने के लिए स्टार्ट हो गई थी। 2001 में विंडो एक्सपी आई, जो काफी अच्छी वर्जन थी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसमें काफी फैसिलिटीज मिली जो काफी सक्सेसफुल रहा। ये एक्सपी तो सक्सेसफुल रहा, मगर 2006 में इसी वर्जन को चेंज करते हुए विंडो विस्टा लाया गया, बट वो मार्केट में उस लेवल पे अपना परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उस डिसअपॉइंट हुए लोग तो उसके अडॉप्टिंग रेट से। तो फिर 2009 में विंडो विस्टा के बाद विंडोज 7 लॉन्च किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो काफी अच्छा था, जो उसमें स्पीड को इम्प्रूवमेंट कर दिया गया और काफी नई फीचर्स उसमें इंक्लूड कर दिए गए। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 लॉन्च किया, जिसमें कोर्टोना और डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट ये सारी चीजें और माइक्रोसॉफ्ट एज और को लाया विंडोज 2015 में विंडोज 10 के रूप में। तो इस प्रकार से विंडोज 10 के बाद अभी हम लोग आगे बढ़ ही चुके हैं। अब हमारे सामने आता है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा आपने विंडोज देखा, डॉस देखा, वैसे लाइनेक्स भी काफी अच्छा सिस्टम है। ये यूनिक्स का क्लोन वर्जन है, बट ये काफी सक्सेस हुआ। इसका रीजन ये था कि लाइनेक्स जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसमें काफी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है, आपको इसमें बहुत ज्यादा पे नहीं करना या नहीं करना पड़ता। इसमें कुछ फीचर्स ऐसे फीचर्स हैं जो लाइनक्स में जो विंडोज या में नहीं मिलती हैं। तो ये जो है देखिए उसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि ये मल्टी यूजर कैपेबिलिटी रखता है कि आप
क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे भी काम कर सकते हैं, सर्वर मशीन जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और अदर जो नोड्स हैं उस पे बैठकर आप उस सर्वर से वर्क कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग तो है ही, जैसे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे कि आप एक टाइम पे बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी है क्योंकि आप इसको कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं, बहुत बड़ी फाइल नहीं रहती। सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी दो प्रकार की सिक्योरिटी ये देता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले जब भी स्टार्ट करेंगे विदाउट पासवर्ड ये ओपन ही नहीं होता है। साथ में जो भी देखेंगे कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे टर्मिनल में लोग बैठेंगे और वहां से उस सर्वर को यूज करेंगे, तो इसमें डेटा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इश्यू आता है। तो इस चीज के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिक्योरिटी के लिए जितने भी यूजर्स वहां पर होते हैं वो यूजर्स अपने क्या कर सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। हर एक का पासवर्ड रहेगा तभी वो लॉगिन करेगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो इसमें डेटा सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक्स विंडो सिस्टम कहते हैं जिसे। कमांड लाइन जो है वो कमांड लाइन बेस्ड तो है ही ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ ही साथ जीयूआई बेस्ड भी है, तो ये उस चीज को भी सपोर्ट करता है। इसमें बहुत सारे जो एप्लीकेशंस जो होते हैं वो भी इसमें इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं, साथ में सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर इसके साथ मिलते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि पूरा चीज इसमें फाइल सिस्टम होता है। आप हर चीज जितनी भी चीजें आपकी यहाँ पे होती हैं वो सारा का सारा फाइल सिस्टम होता है। मान लीजिए मैं एक डिवाइस भी इसमें कर रहा हूँ वो भी उसे एज अ फाइल लेगा। ओपन सोर्स मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है क्योंकि ये ओपन टू ऑल है, फ्रीली अवेलेबल है। ये मेरे रेफरेंसेस हैं। थैंक यू वेरी मच।